कि अगर राहुल गांधी को एजुकेटेड बोला जाता है और काफ़ी टैलेंटेड बोला जाता है तो भैया इतना टैलेंटेड हमें ना चाहिए, इतना एजुकेटेड पर्सन नहीं चाहिए। पाँच साल में आप अभी भी पिछले पाँच साल उठा के देख लीजिए, नरेंद्र मोदी ने किया क्या है, नरेंद्र मोदी ने किया क्या है। देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है और कोई राजनीति करने को तैयार नहीं है। इतने पूज्य बुजुर्ग साथी हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी भगवान है। बिल्कुल जी साथियों, अगर मोदी जी भगवान है तो राम किशन जी राजा राम जी क्या है, भगवान किशन जी क्या है, अगर मोदी जी भगवान है तो। तब तक तो वो सही काम कर रहे थे, लेकिन जब से उन्हें लगा कि मेरा टिकट कटने वाला है वो घर बैठ गए। देश का युवा काम रहा, ईवीएम सेट है ना मैम, ईवीएम सेट है, ईवीएम सेट है, ईवीएम सेट। 11th से 5th पोजीशन पे आया, कुछ तो बात होगा। GDP 8.4 है, कुछ तो बात होगा। और रही बात जो ये बोला जाता है कि भाजपा राम का नाम लेकर करती है, ठीक है अगले ने काम किया, अगले ने आज से नहीं काफी पहले से लड़ा, ठीक है 10 को लड़ा राम मंदिर के लिए। क्या कांग्रेस ने कभी कहा कि भाई हम राम मंदिर बनाएंगे, ठीक है आज अगर ले रहा है, बेनिफिट ले रहा है, नाम का यूज कर रहा है, सही कर रहा है। यात्रा ठगे चोर चोरों को बचाने के लिए ऐसी यात्रा निकाल रहे ताकि लोग भटक सके, उनकी बातों में कोई नहीं आने वाला, वो तो ठग यात्रा है। राक्षस को हराना है, बीजेपी जैसे राक्षस को हराना है। कौन राक्षस? बीजेपी राक्षस है, आज बीजेपी पार्टी राक्षस बन चुकी है। जिसने की 400 पार इसलिए है क्योंकि राम मंदिर, क्या बीजेपी ने 24 में इसीलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई कि उसको लोकसभा में फायदा मिलने वाला है? सबकी प्लानिंग करी जाती है सब चीजों की। अच्छा। ऐसे नहीं करा जाता, उसने अपने प्लानिंग से उस टाइम मुहूर्त किया। हर आदमी को अपना व्यापार चाहिए, उसका भी व्यापार है, राजनीति भी, उसे बनना है प्रधानमंत्री। भारत जो टोड़े हैं गांधी और नेहरू परिवार ने ही टोड़ा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश सब था, ठीक है चाइना, जो आज के डेट में सभी लोगों ने जो टूट चुका है वो ऑलरेडी टूट चुका है, अब जुड़ने का समय आ गया है। अभी POK के बाद हो रही है, आपको लग रहा है कि POK पे केवल सेंट्रल काम कर रहे हैं, नहीं वो काफ़ी अंदर, शायद एक समय आए कि पूरा पाकिस्तान ही भारत में विलय हो जाए। तो टीम क्या मंत्री हुए, आज तक किसी का थप्पड़ नहीं पड़ा, इस केजरीवाल का 4 बार थप्पड़ पड़ा। आ रहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, आखिर आप कितने तैयार हैं यही जानने के लिए हम लोग ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं बोल भारत बोल। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, इसीलिए आप यहां खुलकर बोल सकते हैं, खुलकर उठा सकते हैं अपनी आवाज, बता सकते हैं कि इन 5 सालों में आपके इलाके में सांसद ने क्या काम किया है और क्या खामियां रह गई हैं। जी हां, इसलिए बोलिए और खुलकर बोलिए। इस वक्त हम लोग दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हैं, जहां पर मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद है। बोल भारत बोल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। सबको लग रहा है किसके पास आऊंगे आखिर में, कहां चलें? सांसद के 5 काम, क्या काम किया इन्होंने आपके इलाके में? हमें तो नजर आया नहीं, करते हो सांसद कोई नहीं है, पता नहीं आया नहीं आता, वो क्या नाम उसका, डॉक्टर हर्षवर्धन, वो आई नहीं हुई और अब तो वो हमेशा के लिए संन्यास ले रहे हैं। मोदी ने दिला दिया संन्यास, और क्या, जो काम नहीं करेगा तो भारी आएगा वो, तो हाँ टिकट भी उसकी खत्म हो गई, काम तो खत्म था ही। अच्छा। जीतने बाद कभी नहीं आया इलाके के अंदर, देखा ही नहीं आपने कभी। हमने डेवलपमेंट में खड़ा हुआ है, उसको डेवलपमेंट नहीं दिखाई था, कमाल की बात है। ये जो इतनी बड़ी यहाँ पार्किंग बना दी, ऐसे बन गई क्या? ये पीछे झूले लगे हुए हैं बच्चों के, ऐसे बन गए क्या? ये पार्क डेवलपमेंट हो गया, ऐसा हो गया क्या? चांदनी चौक का विकास ऐसा हो गया? देखा मैंने अभी, मैंने अभी विकास देखा कि कितनी गंदी बदबू बाहर आ रही है, विकास की बात तो, कर रहे हैं वो तो जी अभी हो गया ना, वो तो जब से यहाँ पे कौन सा आ गया यहाँ पे, जहाँ MLA आ गया तो खराबी कर दिया ना सारी चीज को। पहले सारी चीज जो विकास हुआ है वो नहीं दिखाई दे रहा, वो ही दिखाई दे रहा है कि जो गंद कर दिया है जी, इन्होंने करा है हमने करा है। देखा है सांसद कभी इलाके में? देखिए बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सांसद जी जब तक थे तब तक तो वो सही काम कर रहे थे, लेकिन जब से उन्हें लगा कि मेरा टिकट कटने वाला है वो घर बैठ गए। मोदी जी का डर था कि करेंगे तो ही टिकट मिलेगा, उन्होंने शुरू में काम किया लेकिन बाद में काम करना बंद किया तो उनकी टिकट कट गई।
शुरू में 2 साल उन्होंने जरूर काम किया है, उसके बाद उन्होंने कोई डेवलपमेंट इलाके में नहीं किया है। जी जवाब दीजिए। बड़े हादसे का विषय है कि हमारे साथी कह रहे हैं कि उन्होंने 2 साल काम किया है ना, और पिछले 5 साल से 10 साल से लगातार वो सांसद थे, और मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं कि ये लोग 5 काम भी गिनवा सकें। हाँ, और आप गिनवा दो 5 काम। किसके काम में बताइए आप? सांसद के 5 काम। सांसद ने कुछ काम किया ही नहीं, 5 काम के 2 काम नहीं गिनवा सकते हम सांसद जी के यहाँ पर। हाँ जी, ये तो बड़ी बड़ी बात बोल दी है उन्होंने काफी, कि 2 काम नहीं गिनवा सकते हैं, 5 काम की तो दूर की बात। नहीं, काम ऐसी बात नहीं, देखो काम नजर आते हैं, काम उन्होंने कराया, और ऐसे सांसद भाग्य वालों को मिलते हैं। अच्छा। हाँ, जो ऐसा एक भी भ्रष्टाचार, एक भी कोई गलत कुकर्म यहाँ पे चांदनी चौक में अंदर पूरा डेवलपमेंट देखिए, सड़कें देखिए, पार्किंग देखिए, ओवेक्स प्लाजा देखिए, और व्यापार के अंदर भी सब तरह का उन्होंने हो गया। उन्होंने विकलांगों को, मेरे सामने मैंने वहाँ मौजूद था, 4,000 विकलांगों को उन्होंने व्हील साइकिल, ब्लाइंड्स को अपना जो मोबाइल्स, मैं वहाँ पे सेवा करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, उन्होंने जो काम करे हैं, मेरे एक मित्र को, उसके भाई को 3 लाख का चेक उन्होंने कैंसर के उसमें रूप में दिया, मैं उसका सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ, ठीक है जी। और उसके अलावा उनका 28 अक्टूबर रोड पूरा दिन खुला रहता था, किसी भी कोई किसी जरूरत हो, इन्होंने तो केजरीवाल ने आयुष्मान योजना कैंसिल कराई, उन्होंने ओपन रखा हर जगह, 24 घंटे वहाँ पे सेवा दी, किसी को हॉस्पिटल की जरूरत है, किसी को डॉक्टर की जरूरत है, किसी किसी ऑपरेशन है, उन्होंने मेरे सामने उन्होंने फ्री इलाज कराया है। कौन कहता है हर्षवर्धन जी ने काम नहीं किए? हर्षवर्धन जैसा आदमी मिल भी नहीं सकता, ना आगे मिलेगा। अब जो प्रवीण खंडेलवाल जी है, वो भी एक सरब स्वभाव के हैं, और ये चुनाव हो रहा है 10 साल वर्सेस 70 साल, और जो 40 साल की डेवलपमेंट देखे हिंदुस्तान में, जो मोदी जी ने 10 साल में करी है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, यार आपको प्रमाण नजर आ रहे हैं, जितनी सड़कों का निर्माण, श्री राम मंदिर का, धारा 370, क्या नहीं करा उन्होंने मोदी जी ने। अब एक सांसद को पकड़ के बैठ जाओ, ऑल ओवर इंडिया में देखिए हमारा GDP कहाँ जा रहा है, हमारा मान सम्मान वर्ल्ड कप वर्ल्ड में ऊपर जा रहा है, आप इसमें देखिए। और आज जो श्रीनगर हमारे बच्चे जाते डरते थे, आज वहाँ पे 12 बजे तक घूम रहे हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण देखिए अचीव है, शौचालय अपना, मेरे अभी सांसद के 5 काम आपने नहीं बताए वैसे मुझे अभी तक। यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, मतलब जिस तरह का उनका, ठीक है, पेशे से अगर डॉक्टर है तो सिर्फ क्या मरीजों की ही मदद करेंगे, बाकी जनता नहीं है क्या? काम करने की जरूरत कहाँ है? डेवलपमेंट तो है, काम करने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी इलाके में काम करवा रहे हैं या फिर सांसद काम करवा रहे हैं? नाम ले दो, सारा काम हो गया। 5 काम बता दो। मुझे तो 5 काम के बारे में पता नहीं है कुछ। फिर आप ये बोल रहे हैं कि मोदी जी के फेस पर थोड़ी ना सांसद जी काम करें? 10 सालों में कभी नहीं आए, कभी भी नहीं आए। आते हैं, कोई मंदिर का फंक्शन होता है तो आ जाते हैं, 2 मिनट में चले जाते हैं, कोई बुलाता है तो आ जाते हैं, 2 मिनट में चले जाते हैं, वैसे वो कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। 10 साल में क्षेत्र का कुछ भी काम नहीं हुआ है सांसद के से, ना वो आते हैं, ना किसी अपने जो क्षेत्रवासी का कुछ काम होता है, यहाँ पर कोई कार्यालय नहीं, हमें कुछ काम हो तो वो है ही नहीं, हम लोगों को मिलना हो तो वो भी मिल नहीं पाते, तो वो काम कैसे कराएंगे बताओ, ये बताओ आप। मतलब कोई क्षेत्र में 10 सालों में कोई काम नहीं कराया सांसद से, कोई काम नहीं, जो काम होता है अपने यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक हमारे श्री प्रहलाद सिंह सानी जी, वो जनता से जुड़े हुए हैं, हम लोग उनके लिए काम करते हैं और डोर टू डोर काम कर रहे हैं, वैसे हमारे जो सांसद है उन्होंने कोई काम नहीं करा, क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं, मतलब कोई काम नहीं हो रहा यहाँ पे। आप किसी नहीं से भी पूछ सकते हैं, दिखाई ही नहीं दिए वो, कभी 10 साल हो गए, 10 साल 2 काम क्या, 1 काम भी नहीं है उनका तो। सुन रहे हैं सर, 2 काम पे ही इनकी सुई अटकी हुई है और आप 5 गिनवा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, ये काम जो कोटे के होते हैं, अब कई जगह ऐसा होता है कि 80 लाख का कोटा हमारी 7 गली में पास हुआ, नाम क्षेत्र वो वाह वाह ले जाते हैं केजरीवाल ग्रुप के, ये कभी अपने आप को शो नहीं करते, जो काम करने वाला था वो काम करता है, उनकी अच्छे काम की शादी देखिए, बड़ी आप ऑल ओवर देखिए, पूरा चांदी में अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, पूरा मैं मालटन में निवासी हूँ, मालटन हमारा पूरा अच्छा उन्होंने विकास कराया, और सबसे बड़ी बात है ये जो उन्होंने जो मदद की है वो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, आज सबसे ज़्यादा मतलब जो कहते हैं इलाज, शिक्षा और सड़कों का निर्माण, पार्किंग हमारी मालटन बनी है। रुकिए 1 मिनट। हाँ, ये पोलियो का काम किसने काम करा है? ये सारे हिंदुस्तान के अंदर जिधर पोलियो का काम करा है, डॉक्टर साहब ने उन्हें मदद नहीं की, ये पार्क के अंदर लगे हुए हैं, किसने करे हुए हैं? डॉक्टर साहब ने तो करे हुए हैं, केजरीवाल जी ने क्या काम करे, कंगले इतने वसा रखे, उनको हटाने का नाम नहीं लेते, यहाँ देखे सारे लेटरिन बाथरूम कंगले पड़े हुए हैं, चांद चौक के अंदर डेवलपमेंट कराए उन्होंने, पूरे चांद चौक के अंदर सारा रास्ता बंद करा दिया, सरदार जी ने क्या काम करा आम आदमी पार्टी ने? केजरीवाल का जिक्र आपने छेड़ दिया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, देखिए चेहरों पे ऐसे मुस्कान आ जाती है उनका नाम सुनते ही, मुझे वजह जाननी है, कैसे मुस्कुरा रहे हैं आप पहले मुझे? देखिए केजरीवाल जी के लिए सबसे बड़ी मुस्कुराहट की बात तो यह है,
वो कहते हैं मैं आम आदमी हूँ और आम आदमी का मुख्यमंत्री हूँ। सात बार उनको सम्मान जा चुके हैं, आठवां भी जा चुका है। आम आदमी को एक सम्मान आ जाए वो सीधी जेल हो जाएगी उसको। तो मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, आप कौन से आम आदमी हैं कि आठ बार सम्मान जाने के बाद भी आप जेल जाने से डर रहे हैं? पहले आप कहते थे कोई भी कार्य हो नेता को जेल जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ना आज वो इस्तीफा दे रहे हैं ना वो जेल जा रहे हैं। तो मैं तो समझ में नहीं आ रहा है ये हमारे कैसे चीफ मिनिस्टर हैं। बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप, बड़े केजरीवाल के नाम पर मुझे लग रहा है। कैमरा जी, कैमरा पर्सन जी, फैन लग रहे हैं बड़े वाले। देखिएगा, मैं सब एक ही बात कहना चाहूंगा, इस बार मोदी जी अब की बार नहीं तो कुछ नहीं, सब इंडिया में बेकार है। धरती पे भगवान है तो मोदी जी हैं, भोले शंकर का रूप इस समय, अब नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, चलिए सुनिए। हाँ, हमारे इतने पूज्य बुजुर्ग साथी हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी भगवान है। बिल्कुल जी साथियों, अगर मोदी जी भगवान है तो राम किशन जी राधा राम जी क्या है, भगवान किशन जी क्या है? अगर मोदी जी भगवान है तो आइए सर इधर आइए। जो देश के लिए काम करे वो सब कुछ है, जो देश के लिए कुछ ना करे, देश की गोभी खोदे वो बेकार है हमारे लिए। किसने खोदी गोभी? आप सबको बताया, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। नाम लीजिए, आप नाम लीजिए। सारे सुबह ही मारने आ जाएंगे घर पे। कोई नहीं आएगा सर, आप टेंशन मत लीजिए। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, कल तक तो केजरीवाल जी कांग्रेस को गाली बका करते थे, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ा करते थे, आज क्या बात हो गई जो कांग्रेस और केजरीवाल दोनों एक ही थाली में एक ही कटोरे में दूध पीते दिख रहे हैं। और ये वही ये कह रहे हैं कि 5 सालों में 10 सालों में हमारे सांसद को नहीं देखा। मैं ये कह रहा हूँ सहनी जी को यहाँ किसने कितनी बार देखा है? आपको एक बात बताऊं, फुहारे पे ही लटके रहेंगे, वहीं पे उगाई के अलावा कोई काम नहीं है उन्हें। बिल्डरों से पैसे लेना, बिल्डरों से पैसे खाना और उसके अलावा कोई। चलिए रुकिए रुकिए रुकिए, अरे सुन लीजिए चाचा, सुन लीजिए बात। अब जब बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हो ही गई है, ये वही सीट है जहाँ से कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है अब की बार? जी जी हाँ। पहले तो मुझे ये अंदर की बात बताइए कि 4 पे आम आदमी पार्टी, 3 पे कांग्रेस। कांग्रेस का दिल्ली में क्या हाल है वो किसी से छुपा नहीं है, तो ये कैसे भरत मिलाप दोबारा हुआ है? मैम देखिए, भरत मिलाप जैसे हमारा हुआ है ना, ऐसे नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी जी का भरत मिलाप हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। हाँ, बिल्कुल पता है कि अमित शाह ने ये बोला था कि कुछ भी हो जाए हम नीतीश कुमार को पार्टी में नहीं लेंगे। तो इसी तरीके से आज अगर कांग्रेस गठबंधन करने को तैयार हो गई आम आदमी पार्टी से, तो और लोगों को परेशानी क्या हो रही है इसके अंदर? आप नहीं, मिर्ची तो इसलिए लगी ना, नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कोई काम नहीं किया 5 साल में। आप अभी भी पिछले 5 साल उठा के देख लीजिए, नरेंद्र मोदी ने किया क्या है? देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, और कोई राजनीति करने को तैयार नहीं है। मानना पड़ेगा आपको, इन्होंने माना कि अभी पलटू राम है हमारा। नीतीश कुमार तो हमारे साथ पहले भी थे और अब भी है, लेकिन इन्होंने कह दिया कि हम पलटू राम है कभी, तो इन्होंने पंजाब में गठबंधन क्यों नहीं करा? अगर इतनी दोस्ती थी तो आपने, सर आपने, मेरे छोटे भाई आपने भी क्वेश्चन करा, नरेंद्र मोदी ने क्या करा? आप इस बात को करे ना, हम शाखा में ऐसे हंसते हैं, क्या बात कर रहे हैं सर, अपना यंग हो के आप किसी, वोट आपका अधिकार है, आपका मन अपना अधिकार है। ठीक है, सुनिए, एक मिनट रुकिए। तो क्या, सुनिए, तो क्या अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ मिलकर बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? 100% टक्कर दे पाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख लीजिए, बड़ी बात बोल रहे, सातों पर बीजेपी का कब्जा है लोकसभा में। हम चांदनी चौक सीट आपको जीत के दिखाएंगे, और पहली बात, मैं जितने लोग खड़े हैं सबको खुले मन से चैलेंज दे रहा हूँ। आप मुझे ये बता दीजिए, देश का युवा कहाँ रहा? ईवीएम सेट है ना मैम, ईवीएम सेट है। अब की बार ईवीएम सेट, एक नारा ये भी होना चाहिए ना, अब की बार ईवीएम सेट। बड़ी बात
बोल रहे हैं, देखिए बड़ी बात बोल दी है, अब की बार ईवीएम सेट, अब की बार ईवीएम सेट, क्योंकि मोदी जी का एक ही नैरेटिव है। मोदी जी कहते हैं मैं काम तो करने वाला हूँ, विधानसभा में भी ईवीएम सेट था क्या जो केजरीवाल जी जीते हैं? जवाब नहीं, मैं आपको जवाब दे दूं ना, ये नहीं मानेंगे क्योंकि ऐसा है, केजरीवाल जीते कैसे, तो सेट कर लीजिए, तो फिर सेट कर लीजिए आप। मुझे ये बताइए 5 साल में आपको अश्वर्धन जी यहाँ पे इस लोकसभा में नजर आए? मोदी जी सिर्फ 3 चीजों पे राजनीति करते हैं, उन्हें मंदिर मस्जिद पे राजनीति चाहिए, उन्हें हिंदू मुसलमान पे राजनीति चाहिए, उन्हें शमशान घाट कब्रिस्तान पे राजनीति चाहिए, उन्हें कभी विकास का है उन्होंने। रुके रुके पीछे ही है, इधर आइए इधर आइए इधर आइए, देखिए सुनिए सुनिए, आ रही हूँ आपके पास। सवाल चेंज हो गया है, सवाल चेंज हो गया है, अगला सवाल ले लीजिए। सुनिए सर, सुनिए सुनिए, सवाल तो पूछने दीजिए मुझे। चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव के लेके कितनी बड़ी हेराफेरी हुई ये तो सबको पता है, किसने करा ये भी सबको पता है, क्यों करा गया वो? ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना उस चीज का, चाहे कोई भी आए। आज मोदी जी काम कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए था, वो चीज गलत बात है। हत्या मैम, संविधान खतरे में है, ऐसा है, देश के साथ साथ संविधान खतरे में है। सुनिए 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 सुनिए, तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब जितने भी भाजपा के भाई बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस सवाल को लेकर दोबारा से जोश में आने वाली हैं। देखिए 2024 में नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा ऐलान, 400 पार। कैसे संभव होगा ये 400 पार, आप मुझे बताइए सर, कैसे संभव होगा ये 400 पार? अब वो उनका काम है, वो अच्छा काम करेंगे तो जरूर संभव होगा, बिल्कुल होगा। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो पब्लिक उनका वोट करेगी, बिल्कुल करेगी। किस बेसिस पे करेगी? पब्लिक को लगता है कि विकास हुआ है तो उस बेसिस पे करेगी। चलिए पूछती हूँ, क्या विकास हुआ है? पब्लिक इस बेसिस पे करेगी कि विकास हुआ है, 400 पार इसलिए हो पाएंगे? आपको लगता है 400 बार हो पाएंगे? लेकिन मैं तो सवाल करने आई हूँ, कहाँ बढ़ेंगी सीटें, कहाँ बढ़ेंगी समझा दीजिए जरा आंकड़ा। नहीं आप बताइए सीटें कहाँ बढ़ेंगी? यूपी में सीटें बढ़ेंगी, पंजाब में सीटें बढ़ेंगी, दिल्ली में सीटें बढ़ेंगी, दिल्ली में 7 की 7 नहीं 7 से 9 सीटें हो जाएंगी, कहाँ से 400 पार करेंगे? आप मुझे ये तो बताइए, एक बात बताइए, आज लोकतंत्र की हत्या मोदी जी खुले मंच पे से कर देते हैं, आज लोकतंत्र की हत्या मोदी जी खुले मंच पे से कर देते हैं, ठीक है? जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलता है, बीजेपी के खिलाफ बोल जाता है, उसके खिलाफ ईडी का संबंध पहुंच जाता है, सीबीआई पहुंच जाती है उसके घर पे। क्या अशोक चौहान जी के पास ऐसा क्या वो था जो उनको 2 दिन पहले अपनी पार्टी में ले गया, अगले दिन राज्यसभा भेज दिया गया? ऐसा क्या था उनके पास? उनके जो लोग बैठे हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनको कोई अपना कोई नेता दिखाई नहीं दिया गया जो उनको? और देखिए आज दिल्ली के अंदर आप पूछते हैं गठबंधन क्यों जरूरी था, अगर देश के अंदर इस राक्षस को हराना है, बीजेपी जैसे राक्षस को हराना है। कौन राक्षस? बीजेपी राक्षस है, आज बीजेपी पार्टी राक्षस बन चुकी है, जिसने इसने लोकतंत्र बड़ा बयान क्या बोल रहे हैं? ये बीजेपी का, ये बीजेपी को कह रहे हैं ना राक्षस, ये कालनेमी का आदमी, केजरीवाल कालनेमी है जो हनुमान जी को धोखा दे रहा था और हनुमान जी के सामने टिक नहीं पाएगा कोई सा भी है। चलिए पहले तो न्योता गया तो केजरीवाल जी राम मंदिर गए नहीं, फिर बाद में परिवार समेत गए। आप मुझे ये बताइए कि न्योता देने के सिर्फ मोदी जी बचे हैं क्या अब हैं? और न्योता देने पे हम राम मंदिर जाएंगे क्या? आपको मोदी जी का न्योता नहीं आया तो हम राम मंदिर नहीं जाएंगे? हमारी अपनी इच्छा होगी, हमें राम मंदिर जाना है बिल्कुल नहीं क्या? बिल्कुल नहीं क्या? आप सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट, आज अरे सवाल लेने दीजिए सर, बड़े जोश में आ रहे हैं, सुनिए इधर आइए, सुनिए उधर ही रुकिएगा, आप भी बड़े जोश में दिख रहे हैं मुझे इस वक्त। बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन में नहीं आऊंगा। आपको मुझे लगता है सिर्फ हमारे केजरीवाल जी की बातें याद हैं, सबकी बातें याद हैं, सबके ऊपर गाज गिरेगी, सबके ऊपर बातें याद नहीं आती हैं। नीतीश कुमार जी कसम खाते थे हमारे खुले मंच पे से, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री जी खुले मंच पे से कहते थे नीतीश कुमार जी के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो अगर मैंने आपको 2 मिनट पहले एक बात बताई कि इस राक्षस नुमी बीजेपी से लड़ने के लिए आज कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, तमाम गठबंधन जरूरी है, और
इस बड़े राक्षस को हराने के लिए आज सभी लोकतंत्र को बचाने वाली पार्टियां एक साथ खड़ी हुई हैं। सुनिए, क्या ये सब डरे हुए हैं? जितने भ्रष्टाचारी हैं, इनका गठबंधन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब डरे हुए हैं। ठीक है, सुनिए 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 सुनिए, देखिए 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का दिन था 22 जनवरी, वहां पर बॉलीवुड की तमाम हस्तियां मौजूद थी, कहां थे जेपी नड्डा, कहां थे अमित शाह? देखो जी मेरी बात सुनो, सबको इनको निमंत्रण दिया था केजरीवाल वगैरह को, हाँ जी, कोई नहीं पहुंचा, ठुकरा दिया निमंत्रण। नड्डा जी और कामों में लगे हुए थे। कौन से काम? सुनिए, रुकिए 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 रुकिए, आपने एक मिनट एक चुप रहिए, एक मिनट बंद है। नड्डा जी और कामों में बिजी थे, प्राण प्रतिष्ठा से ज्यादा जरूरी काम आखिर क्या था? मोदी जी ने सबकी अलग अलग ड्यूटी लगा रखी थी, पूरे देश को और जगह भी संभालना था, सारे एक ही जगह लग जाएंगे तो कैसे काम होगा, इनकी अलग अलग ड्यूटियां लगा रखी थी और चला रहे हैं और चलाएंगे। देखिए ऐसा है, यदि मोदी जी के साथ साथ अगर मोदी जी के साथ नड्डा जी वहां पहुंच जाते, अभी एक मिनट भाई साहब, अगर मोदी के साथ नड्डा जी वहां पहुंच जाते, अभी सब लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रोग्राम था, जबकि खाली बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे, वो भी वे प्रधानमंत्री के तौर पे गए थे। यदि नड्डा जी चले जाते, अमित शाह जी चले जाते, तो ये सब लोग मिलके कहते ये बीजेपी की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था, ये राष्ट्रीय प्रोग्राम था, ना कि बीजेपी का प्रोग्राम। इसीलिए नड्डा जी को और अमित शाह जी को नहीं बुलाया गया, सिर्फ मोदी जी ने उनको बुलाया जिनकी वहां पर जरूरत थी। सभी पार्टियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन पार्टियों ने अपने स्वार्थ के चक्कर में वहां उस समय नहीं गए, बाद में वोट बैंक के चक्कर में नहीं गए, अब बाद में वो सब वहां पर, उन्हें पता है कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, फिर से उनकी वोट कटेंगी तो सब जाने शुरू हो गए। ठीक है, पीछे हो जाइए सब, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, पार्टियां जरूरी थी, लोकतंत्र, बॉलीवुड की हस्तियां जरूरी थी, राजनेता जरूरी थे, लेकिन देश का राष्ट्रपति जरूरी नहीं था, देश का उपराष्ट्रपति जरूरी नहीं था, तो क्या क्या दिखाना चाहते हैं? ठीक है, रुकिए, एक मिनट सर, एक मिनट, प्रचार था, क्या था? बीजेपी का सिर्फ प्रचार था, क्या था? चार सौ पार इसलिए है क्योंकि राम मंदिर, क्या बीजेपी ने 24 में इसीलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई कि उसको लोकसभा में फायदा मिलने वाला है? सबकी प्लानिंग करी जाती है सब चीजों की, ऐसे नहीं करा जाता, उसने अपने प्लानिंग से उस टाइम मुहूर्त किया। हर आदमी को अपना व्यापार चाहिए, उसका भी व्यापार है राजनीति भी, उसे बनना है प्रधानमंत्री, उसको क्या बात है? मतलब राम के नाम पे खेल गए बीजेपी वाले, रुकिए, राम के नाम पे खेल गए बीजेपी को आते ही कुछ और नहीं है मैम, बीजेपी हमेशा राम के नाम पे, भगवान के नाम पे ही राजनीति करती है, बीजेपी कभी मुद्दों की राजनीति नहीं करती। इस देश में युवा कितना बेरोजगार है आप उठाकर देख लो, मणिपुर के अंदर हमारी माँ बहन बेटियों के साथ क्या हुआ, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं था। नरेंद्र मोदी, एक मिनट पहले बात सुन लीजिए आप, नरेंद्र मोदी जी ने चुप्पी नहीं तोड़ी, मणिपुर के अंदर आपकी माँ बहन बेटियों के साथ क्या हुआ, नंगा कड़ाकर दौत पर दुलाया गया, मध्य प्रदेश में पेशाब कर देते हैं, ये राजनीति है, इतने नीचे स्तर पर राजनीति, आप पेशाब करोगे लोगों के मुंह पे। ऐसा है मैम, बेसिकली देखिए डेवलपमेंट तो दिख रहा है, ठीक है, 11th से 5th पोजीशन पे आया, कुछ तो बात होगा, GDP 8.4 है, कुछ तो बात होगा। और रही बात जो ये बोला जाता है कि भाजपा राम का नाम लेकर करती है, ठीक है, अगले ने काम किया, अगले ने आज से नहीं काफी पहले से लड़ा, ठीक है, 10 को लड़ा राम मंदिर के लिए, क्या कांग्रेस ने कभी कहा कि भाई हम राम मंदिर बनाएंगे? ठीक है, आज अगर ले रहा है, बेनिफिट ले रहा है, नाम का यूज कर रहा है, सही कर रहा है, अगले ने किया, एफर्ट लगाया, 8.4 GDP क्या कहाँ से आ गया, ऑल ओवर वर्ल्ड आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड की स्थिति खराब है, चाइना हो, अमेरिका हो, GDP का 8.4, आप बताएं है? ठीक है, बंगाल के बारे में और बताऊंगा, जैसे इन्होंने कहा कि मणिपुर की उसमें नहीं गए, बंगाल में इतना अत्याचार हुआ, इनकी राजकुमारी जो है प्रियंका,
वो जाके उनने बोली बोले मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्यों नहीं गई वो? और वो राहुल गांधी बोला, किसी विपक्ष का नेता बोला, केजरीवाल बोला, भारत का न्याय होता है। वो महिला हमारी बहने नहीं है, वो गरीबों के पास है, वो महिला ही होता है, वो गरीब थी, उसे सरकार आ जाइए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या कौन सी यात्रा? ठग यात्रा, बेवकूफ बनाने वाली यात्रा है। ठगे चोर चोरों को बचाने के लिए ऐसी यात्रा निकाल रहे ताकि लोग भटक सकें, उनकी बातों में कोई नहीं आने वाला, वो तो ठग यात्रा है। देखिए सवाल कंप्लीट तो होने दीजिए, आप तो पहले ही अपने आप में ही सवाल बना दे रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा मैम, ऐसा है कि भारत जो तोड़े हैं गांधी या नेहरू परिवार ने ही तोड़ा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश सब था, ठीक है, चाइना, जो आज के डेट में सभी लोगों ने जो टूट चुका है वो ऑलरेडी टूट चुका है, अब जुड़ने का समय आ गया है। अभी POK की बात हो रही है, आपको लग रहा है कि POK पे केवल सेंट्रल काम कर रहे हैं, नहीं, वो काफ़ी अंदर, शायद एक समय आए कि पूरा पाकिस्तान ही भारत में विलय हो जाए। तो ये दूरदृष्टि वाले लोग हैं, ठीक है, और जो भी जो नेहरू परिवार और गांधी परिवार आपको रहा है केवल तोड़ने में रहा है। बिल्कुल ना, ये राजीव गांधी की देन है टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के अंदर। आज जिस माइक पे जिस मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं ना, जिस मोबाइल को इस्तेमाल, बस एक ही है, राजीव गांधी कंप्यूटर लाया, आज देश को तोड़ा, कांग्रेस ने देश को दी, IIT किसने दिया, एम्स किसने दिया, कांग्रेस की टेक्नोलॉजी किसने दी, भारत कितने हमसे सपोर्ट, ये भाई साहब बार बार कह रहे हैं, मेरी विरासत है, ये मेरी विरासत है, ये भाई साहब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि एम्स दिया, 70 साल में कितने एम्स दिए पहले तो ये बताएं। अरे मोदी जी ने 10 साल में क्या दिया, मोदी जी ने 10 साल में क्या करा, कितने एम्स सुने देखो, सबसे ज्यादा एम्स दिए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2014 के बाद सबसे ज्यादा एम्स आए हैं। आप एम्स से दूसरा मुद्दा ले लीजिए, फंस जाएंगे दूसरा मुद्दा ले लीजिए। कल 2 बच्चों के साथ UP में बलात्कार हुआ है तो उसकी कोई सुनवाई है? कानून व्यवस्था की हालत देखिए, कोई बोलने वाला है? कोई डिबेट, कोई न्यूज में दिखा रहा है? आप मुझे बताइए, उनके फादर ने सुसाइड कर लिए, आज की सुबह की खबर है, उनके घर वालों ने भी सुसाइड कर ली, कोई सुनवाई नहीं हुई उस बारे में। केजरीवाल बोलता था कि मैं कहते हैं ये उसकी बैगनार गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी में नहीं चलूंगा। शीश महल बड़ा मस्त सजाया, मिनट करो, इतना बड़ा शीश महल आम आदमी के पास नहीं हो सकता। और रही बात गवर्नमेंट का, नहीं नहीं खुद बनवाया है, सरकारी, एक मिनट रुके, सरकारी आवास को खुद बनवाया उन्होंने, रेनोवेशन खुद कर, लेकिन वो खाली भी तो करना पड़ेगा, कोई और रहेगा, क्यों जनता बनवाने की, आम आदमी की क्या जरूरत है बनवाने की, आम आदमी का। इधर एक बात सुनो, ये बोलते हैं कि ये कहते हैं केजरीवाल ने काम किया है, एक के साथ एक बोतल फ्री और पीटर रोज फ्री। आइए, केजरीवाल इतना कॉन्फिडेंट है ना, आपको क्या लग रहा है केवल शराब घोटाला? एक मिनट रुकिए, आप कहाँ के रहने वाले? बिहार से मैम। अरे क्या बात है, हमारे बिहारी बाबू है, आज की डिबेट में तालियां बनती है इनके लिए। ऐसा है ना मैम, केजरीवाल ने केवल एक सेक्टर में घोटाला नहीं किया है, आप लोग केवल शराब घोटाला कर रहे हैं। अगला इतना कॉन्फिडेंट है, उन्होंने हर एक सेक्टर में किया है, अभी धीरे धीरे उजागर होगा। दूसरी बात, जो यूपी में भाई साहब ने बोला, सिर्फ एक चीज सिखाई है कि झूठ कैसे बोला जाता है, बोलेगा खुद और सामने वाले इल्जाम डाल दो हमेशा, किसने झूठ बोला है, ये सब किसने बोले, खुद एक सेकंड, अगर आप मेरी मैं सामने वाले एक सेकंड आप बोल लीजिए, अगर आज थप्पड़ क्यों पड़ते हैं, जिस सभा में जा रहे हैं वही थप्पड़ पड़ते हैं, तो डीप का मंत्री हुए आज तक किसी के थप्पड़ नहीं पड़ा, इस केजरीवाल के 4 बार थप्पड़ पड़ चुके, आंखों में मिर्च डाल चुके, किसने डाली? अगर मोदी जी ने और सांसद जी ने इतना काम किया था दिल्ली के अंदर, अगर मोदी के नाम पे ही वोट पड़ रहा होता तो आपने देखा ना कि दिल्ली के अंदर 5 सीटें लॉन्च हुई जिसमें से 4 नाम बदल दिए गए। क्यों बदल दिए गए? क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया था, धरातल पे वो 0 थे, और अगले 5 साल बाद ये 7 के 7 फिर दोबारा नाम बदले जाएंगे। और देखिए आएंगे तो यही ना, आप इस बात के लिए हाँ भर रहे हैं
क्या इसका मतलब आप खुद हाव भाव रहे हैं कि आएंगे तो बीजेपी के ही? देखिए ये बात तो एक मिनट ये बात तो फिर प्रूफ हो रही है, आप लोग भी खुद कह रहे हैं कि पहले ये पांचों तो आएंगे, ये तो आपने खुद कही है। नहीं ये तो आपने खुद कही है, पहले ये पांचों आएंगे, अगली बार फिर बदले जाएंगे। यही तो पलटू राम की वो है, आप फिर पलट रहे हो। डॉक्टर हर्षवर्धन अभी तक इस सीट से सांसद थे, अब उनकी जगह पर चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं प्रवीण खंडेलवार। मतलब अब की बार डॉक्टर हर्षवर्धन का जो टिकट है वो बीजेपी ने काट दिया है। किससे पूछा जाए, क्यों काटा? क्या उनका काम अच्छा नहीं पसंद आ रहा बीजेपी को? आ रही हूँ, रुकिए। अच्छा रुकिए, मैं किसी नए चेहरे को लूंगी। सर आप आइए। क्या जनता को डॉक्टर हर्षवर्धन का काम पसंद नहीं आ रहा, इसलिए ही बीजेपी ने टिकट काटा है? नहीं ऐसा नहीं है, हर्षवर्धन बहुत अच्छे एमपी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने काफी काम भी किया है। बाकी ये ऊपर पार्टियों की जो भी है वो उनको जाने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो करप्ट थे या उन्होंने कुछ काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने काफ़ी काम किया सर, हम मॉलटाउन से हैं, हमने देखा है वहाँ पे यूरिनल नहीं था, उन्होंने प्रीपेड यूरिनल बनाया, पार्किंग की सुविधा दी है, पार्किंग बनी है और एक बार हमने बस लिख के दिया तो उन्होंने सब कुछ किया। अब लेकिन ये जो बड़े नेता हैं इनका क्या रीज़न है ये नहीं पता। ठीक है सर, मुझे बताइए क्या जनता को डॉक्टर हर्षवर्धन जी का काम पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए बीजेपी ने टिकट काटा है या फिर अब बीजेपी को डॉक्टर हर्षवर्धन ही पसंद नहीं आ रहे हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन जी के ऊपर उंगली उठाना तो ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। बहुत सीधे और बहुत सज्जन आदमी है, सबसे मिलते थे, ठीक है। दूसरी पार्टी है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि उन पे गलत आरोप लगाएंगे, लेकिन फिर भी टिकट काटा। पार्टी की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है भाई, बीजेपी की जो आज की लीडरशिप लग रही है वो दूसरी लीडरशिप को तैयार कर रही है, ये सच्चाई है और इसे स्वीकार करना चाहिए, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो यहाँ के आप कैंडिडेट दिए गए हैं, ठीक है वो व्यापारी नेता हो सकते हैं लेकिन उनका चांदनी चौक से कोई इतना जुड़ाव नहीं है, ये सच बात है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ हम मानते हैं हर्षवर्धन जी होते तो नैतिकता के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें बीजेपी वाले भी वोट देते, उन्हें कांग्रेस वाले भी देते, उन्हें आप वाले देते, तो सच्चाई है। डॉक्टर साहब एक अच्छे आदमी है, सभी तारीफ करते हैं, सज्जन आदमी है, जो सच है वो सच है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मोदी जी को उनकी बात सुन लेनी चाहिए और एक बार हर्षवर्धन को टिकट दे के दिखा दें, उनको पता लग जाएगा कि हर्षवर्धन जी की जमानत जब्त ना हो जाए तो जो बोलोगे वो हार जाएंगे। मैं अपनी राजनीति संन्यास ले लूंगा अगर हर्षवर्धन जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जमानत जब्त ना हो जाए तो मैं अपनी राजनीति संन्यास लेके अपने घर बैठ जाऊंगा। अगर उन्होंने कुछ काम किया होता, राहुल गांधी के उस पर चल रही है, उनको कुछ पता तो है नहीं, बस खाली भाषण देना है, हम जीतेंगे। और जितना जीतना कहते हैं उतने नीचे जाते हैं, उन्हें पता तो कुछ नहीं। चलिए, तीन दुनिया का 24 में पीएम उम्मीदवार की अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं। मोदी जी जो है, राहुल गांधी सवाल सुन लीजिए प्लीज। मोदी जी हैं तो टक्कर में कौन है उनके अलावा? सिर्फ राहुल गांधी और कोई भी नहीं, और राहुल गांधी हमारे देश ये संविधान पे चलता है और हमारे राहुल गांधी जी ने बता दिया है पूरे देश को संविधान क्या है। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ तानाशाह। मुझे लग रहा है सर अपने दिल पे हाथ रख के ऐसे खड़े हो गए जैसे उन्हें कुछ हो जाएगा अभी भैया। ऐसा है ना मैम कि अगर राहुल गांधी को एजुकेटेड बोला जाता है और काफ़ी टैलेंटेड बोला जाता है तो भैया इतना टैलेंटेड हमें ना चाहिए, इतना एजुकेटेड पर्सन नहीं चाहिए जिसमें कि सटीकता नहीं है, परफेक्टनेस नहीं है, बच्चा की तरह बात अगला करते हैं। एक नहीं 1000 एग्जाम्पल आपके सामने ठीक है। एक आधा गिनवाई दीजिए। अरे अब आलू से सोना बनाएंगे, अरे क्या आलू से सोना बनाएंगे, क्या है भाई वो तो मोदी जी का डायलॉग। उसके अलावे पूरा डायलॉग पूरा कर अधूरा डाल दिया उसने, वो बात मोदी जी ने कही थी उन्होंने जो है उसमें चेंज करके उतना ही दिखा दिया बस उसको। अब इन लोगों को तो समझ में आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मोदी जी ने कहा था भाई एक तरफ से हम आलू डालेंगे दूसरी तरफ सोना निकालेंगे, सब फेक न्यूज़ है। आधा काट दिया आधा उस पर लगा दिया राहुल गांधी पे, ये तो झूठ है, ये तो बेकार। अगर परफेक्ट है राहुल गांधी तो आज धरातल में क्यों चला गया? कांग्रेस का जो स्थिति था आज कहां चला गया? वहां पटरा साफ होता है, बिल्कुल। ठीक है मैं मानता हूँ मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं है,
पीएम उन्हीं के उम्मीदवार है, पर उन्होंने आज तक में से तो किसी बिजनेसमैन के लिए किसी भी चीज के लिए कभी कुछ करने की कोशिश करी? क्या मीडियम बिजनेसमैन को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश करी? हमारी हमारा सिर्फ मकसद ये है कि वो ठीक है अपनी मेहनत, आप मुझे बोल लीजिए, वो हाँ जी बहुत अच्छा, वो देश के लिए बहुत अच्छा, उनकी सोच बहुत अच्छी है दूरदेश के लिए, पर अपने जो देश में लोग रह रहे हैं, जो अपने बिजनेस कर रहे हैं, कम से कम उनको भी तो आगे बढ़ाने के लिए मौका देना चाहिए। क्या मीडियम बिजनेसमैन को सबको खत्म करना है? क्या उनकी सोच ऐसी है कि मीडियम बिजनेसमैन खत्म हो जाए? ऐसी पॉलिसी और ऐसी चीज़ें लेकर आए ताकि आम आदमी काम कर सके, तरीके से काम करे जिसके पेट पे जाए, ये ना कि सिर्फ गरीब आदमी को मिलना और ऊपर अमीर आदमी को मिलना। ठीक है, बोल भारत बोल इलेक्शन स्पेशल का हमारा जो ये कार्यक्रम है आज हम लोग यहीं खत्म करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये चांदनी चौक सीट है जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन के हाथों में है, लेकिन उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है और अब बीजेपी ने उनका टिकट भी काट दिया है। उनकी जगह पर चुनाव लड़ेंगे प्रवीण खंडेलवाल। साथ ही ये वही सीट है चांदनी चौक की जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में। बोल भारत बोल का आज का एक कार्यक्रम हम यही खत्म करते हैं। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।